Good morning everyone and welcome to my summer morning routine for weight loss. Now सबसे पहले जब भी मैं सुबह उठती हूँ आजकल तो मेरा गला होता है सूखा हुआ तो मैं खूब ढेर सारा ठंडा पानी पीती हूँ and that is how I start my morning early in the morning and this is the one tip which I want to give you कि cold water पीजिए सुबह सुबह जिससे आपका metabolism एकदम kick start करेगा. एंड अब मैंने लाइट भी ऑन कर ली है तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो इसलिए क्योंकि मैं रात को कोकोनट ऑयल लगा के सोती हूँ अपनी स्किन पे एंड सुबह थोड़ा सा मसाज करके उसके बाद आई गेट रेडी फॉर माई जिम. पानी पीने के बाद मुझे डायरेक्ट जिम जाना होता है क्योंकि आजकल मैं 5:30 से 6 के बीच में जिम चली जाती हूँ. सुबह जल्दी हो जाती है तो हमारा दिन भी जल्दी शुरू होना चाहिए. एंड देन क्विकली गेटिंग रेडी फॉर द जिम. अर्ली इन द मॉर्निंग जब मैं जिम कर लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फुर्सत लगती है और फिर पूरे दिन मेरे पास होता है. Good morning guys. Today is I think 30th of April and I am going to share with you guys my morning इसको क्या हुआ है? My morning routine for weight loss. और सुबह के बज रहे हैं 6. मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ख़त्म कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ जिम की तरफ. तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू गाइज हाउ माई मॉर्निंग्स लुक लाइक इन समर्स ताकि आप भी थोड़ा सा इंस्पायर हो जाओ उससे. एंड सारा सुबह का काम अगर ये सब आप कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा. इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, स्टे हेल्दी, लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल व्हाटएवर. तो अब चलते हैं जिम एंड फिर वापस आके थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी शेयर करूंगी. एंड या आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग. Okay guys, so I am done for the day gymming. अगर आप ये देख रहे हो सुबह सुबह तो आप भी कर लेना सुबह. Okay, now heading home. अब बज चुके हैं सुबह के 7:30. I think 7:40 हो रहा है. तो अब मैं घर जाऊंगी. आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड एंड टेक माई शावर. एंड आपके साथ मैं थोड़ा सा स्किन केयर भी शेयर करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं मुझे इंस्टाग्राम पे भी बोलते रहते हैं कि स्किन केयर के लिए भी थोड़ा बताओ. तो मुझे इतना सही नहीं लगता है फिटनेस चैनल पे स्किन केयर की एक्सक्लूसिव वीडियो बनाना. बट ऑब्वियसली मैं अपने व्लॉग्स में व्हाट आई ईट इन अ डेज में मैं स्किन केयर ज़रूर अक्सर शामिल करती रहती हूँ. तो आज भी मैं वही आपको दिखाऊंगी कि मैं एवरीडे बेसिस पे मेरा समर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन क्या होता है. आई एम सॉरी आई एम ब्रेथलेस. आई जस्ट केम आउट ऑफ द जिम और मैंने 500 स्किपिंग एक साथ कर लिया था लास्ट में आते आते तो इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ ब्रेथ हो गई हूँ. सो या आई टेक माई शावर, डू सम स्किन केयर विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज. एंड उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट, कुछ अच्छा सा इनोवेटिव रेसिपी मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी. एंड लो कार्ब होगा ऑब्वियसली एंड बहुत अमेजिंग ब्रेड रेसिपी है जो सिर्फ 1 मिनट में बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल, पूरा वीडियो देखिए. एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स होम. Alright guys, so I'm sharing with you guys my super quick morning summer skincare routine. एंड शावर लेने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है पहले मैं अपना फेस टोन करूँ. आई हैवंट यूज़ फेस वॉश फॉर अ वाइल. मुझे लगता है 4 महीने हो गए जब से मैंने फेस वॉश यूज़ करना बंद कर दिया और मेरी स्किन बहुत अच्छी बिहेव कर रही है. थोड़े बहुत तो इम्परफेक्शंस होते हैं बट राइट नाउ आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई स्किन. आई प्रेप माई लिप्स. माई मॉइस्चर जो मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ वो क्लेयर्स का है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा टोनर है. देन मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं बहुत लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ. आज मैं यूज़ कर रही हूँ क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज. आई लव दैट मॉइस्चराइज़र, सुपर लाइट वेट, तो समर्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट इज़ आर सनस्क्रीन. और आप सनस्क्रीन को यूज़ करना मत भूलिए, भले ही आप घर पे हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, बिकॉज सन कैन पेनिट्रेट एनीवेयर. सो या दिस इज़ माई स्मॉल स्किन केयर रूटीन, वेरी क्विक. उसके बाद डोंट फॉरगेट टू हाइड्रेट योरसेल्फ. दिस इज़ माई 2 लीटर ऑफ बॉटल. 1 लीटर मैं पूरा ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ. एंड उसके बाद आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर माई स्किन केयर, आफ्टर माई शावर मैं थोड़ा सा अपना वर्क डेस्क क्लीन करती हूँ। इस डेस्क में मैं पढ़ती हूँ, इस डेस्क में मैं एडिट करती हूँ, तो रोज़ मुझे थोड़ा बहुत क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है बिकॉज धूल मिट्टी बहुत है यहाँ पे। देन आई क्लीन माई बेड एज वेल एंड टुडे आई हैव टू चेंज माई बेड शीट, तो मैं वो भी करूँगी आज। एंड ये सब काम, रोज़मर्रा के काम जो हम सब करते हैं, वो मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। विद क्लीनिंग लिटिल बिट ऑफ माय रूम आल्सो। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप वर्कआउट के बाद क्या खाते हैं, तो इफ आई एम डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग आई डोंट ईट एनीथिंग, आई ईट डायरेक्टली माय ब्रेकफास्ट, बट आई मेक श्योर दैट आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन माय ब्रेकफास्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्स और व्हाटएवर comes to my mind, and I have some nuts also, so that one thing I keep in mind. If you are not following intermittent fasting, you can have any sort of fruit when you come back, you can have a protein shake and anything of that sort. So yeah, this is it. आप protein shake आराम से पी सकते हो, आप एक banana भी खा सकते हो। Alright everyone, now that everything is done, I'm going to prepare my breakfast and I'm going to show you how I prepare almond bread. Almond bread low in carb means zero carb की होती है, और अगर आप PCOD के पेशेंट हैं तो आप मैदा, रिफाइंड कार्ब्स नहीं खा सकते, तो ये ब्रेड आप कंज्यूम कर सकते हैं एंड यू विल बी गुड टू गो। आपकी ब्रेड की क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी। एग्जैक्टली ब्रेड की तरह टेस्ट नहीं करता है, बट इट इज समवॉट वेरी हेल्दी एंड समवॉट लाइक ब्रेड एंड इट जस्ट टेक्स 1 मिनट इन द माइक्रोवेव। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस द प्रिपरेशन। आलमंड ब्रेड को बनाने के लिए ऑब्वियसली हम लोग को आलमंड्स चाहिए, तो सपोज आपको अगर 2 स्लाइसेस बनानी है इस ब्रेड की, तो आपको 10 आलमंड्स लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन मैं 2 स्लाइसेस नहीं 4 स्लाइसेस बना रही हूँ, तो मैं 20 आलमंड्स इसके अंदर डाल रही हूँ। या लमसम आप जरूरी नहीं कि काउंट करके डालें। सो दिस इज द आलमंड विच वी हैव टू पुट इन। उसके बाद ऑब्वियसली हम मैं चिया सीड्स की लवर हूँ, तो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपने क्वांटिटी नहीं बताई, तो आप अंदाजे से डाल सकते हैं अपने चिया सीड्स। एंड यहाँ पे मैं आप देख सकते हो 1 टीस्पून मैंने चिया सीड्स डाली है, बनने के बाद इस तरीके का कुछ पेस्ट लगेगा। आप देख सकते हैं 20 आलमंड्स का इतना ही पेस्ट होगा। इसके बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सिनेमन। ये मेरा खुद का रेसिपी है, आप चाहे तो सिनेमन अवॉइड कर सकते हैं। आई लाइक हैविंग सिनेमन इन माय ब्रेड्स एज वेल। और हम लोगों को बड़ा जरा सा सॉल्ट डालना है। अब हम लोगों को इसमें एग डालना है। अच्छे से हमें फेंट लेना है इस ब्रेड के बैटर को। गाइस ये बहुत अच्छी ब्रेड है और बनती अच्छी है, प्लस आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करें। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताएं अगर आपने ट्राई किया है, अपनी फोटोज़ में टैग करके। तो गाइज हमारा ब्रेड का बैटर रेडी हो गया है। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी लगेगी इसकी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है। इस तरीके का कोई मग लेना है जो पीछे से और आगे से बिल्कुल राउंड हो, बिकॉज फिर उसको निकालने में हम लोग को आसानी होती है और ब्रेड का शेप भी अच्छा आता है। अदरवाइज अगर आपको शेप की फिक्र नहीं है, आप कैसा भी ब्रेड ले सकते हैं। अब इसमें हम लोगों को बैटर को डालना है पूरा। ओके गाइज, तो ये हमारा बैटर है। आप देख सकते हैं मैंने इस मग को ग्रीस भी नहीं किया है। एंड नाउ हम लोग को माइक्रोवेव में इसको नॉर्मली माइक्रोवेव करना है। इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए, क्योंकि 2 लोगों का बन रहा है। ऑलराइट गाइस, सो आफ्टर 2 मिनट्स आवर ब्रेड इज रेडी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। डोंट लुक एट द शेप, लुक एट द प्रॉपर्टीज। एंड हमारा ब्रेड पूरी तरीके से रेडी है और आप देख सकते हैं स्टिक भी नहीं किया है इसने साइड्स पे। अब हम लोग इसको ऐसे ही कूल डाउन होने देंगे अराउंड फॉर 5 मिनट्स एंड देन वील स्लाइस इट अप एंड यू विल सी द प्रोसेस। मीनवाइल आई एम कुकिंग माई टी। ये पूरी मेरे लिए नहीं, ऑब्वियसली इट इज़ फॉर द एंटायर फैमिली। एंड इस ब्रेड के साथ आई विल जस्ट हैव 1 ऑमलेट, दैट्स इट, क्योंकि एग। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारा ब्रेड कप से बाहर निकल गया ईजिली। एंड देन आई एम स्लाइसिंग द ब्रेड्स। अभी भी इससे स्टीम निकल रही है। इस बैटर से हम लोगों को 5 स्लाइसेस मिली हैं। छोटे स्लाइसेस हैं बट दे आर सुपर फिलिंग बिकॉज आलमंड्स बहुत ज़्यादा हैवी फैट्स होते हैं। हेल्दी होते हैं बट हैवी भी होते हैं, तो 2 ब्रेड एक साथ खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। ऑलराइट गाइस, तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग आलमंड ब्रेड, जिसकी रेसिपी अभी अभी मैंने आपके साथ शेयर की। उसके साथ 1 होल एग, अलॉन्ग विद दैट आई एम हैविंग थोड़े से चने, एंड दीज आर ब्लैक चनास एंड नॉर्मल बहुत कम मसाले में बने हैं और घर में बने थे, सो आई एम हैविंग दैट ऑल्सो। सो दिस इज़ अ प्रिटी फिलिंग ब्रेकफास्ट। अभी बज रहे हैं 11 और मैं 11 बजे अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, बिकॉज मैंने कल लास्ट मील अपना 6 बजे किया था, तो अराउंड 16-17 आवर्स इनफैक्ट हो गए हैं। सो मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का फास्टिंग पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। आई एम रियली डिगिंग इट। ये टोटल जो ब्रेकफास्ट है, ये एक आलमंड ब्रेड जो है वो अराउंड 60 कैलरीज, 55 to 60 कैलरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज़। अगर आप इतनी छोटी ब्रेड लेंगे 60 कैलरीज, एंड 1 फुल एग इज़ अराउंड 80 कैलरीज। सो दैट इज़ प्रिटी मच माई ब्रेकफास्ट। पूरा ब्रेकफास्ट की कैलरीज अराउंड 350, और मैं ब्रेक डाउन करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे आप भी अपनी कैलरीज को ब्रेक डाउन कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू डिग इन टू दिस ब्रेकफास्ट। एंड आपने देखा होगा कि मैंने चाय भी साथ में बनाई थी, बट चाय मैं थोड़ी देर बाद पीती हूँ, अराउंड ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के अराउंड 10-15 मिनट बाद। व्हेन आई स्टार्ट माई मॉर्निंग वर्क रूटीन, तब मैं अपना चाय पीती हूँ, थोड़ा थोड़ा सिप करती हूँ एंड कॉमेंट्स वगैरह का रिप्लाई करती हूँ। प्रटी मच यही करती हूँ, और इसके अलावा यही है मेरा सिंपल सा समर मॉर्निंग रूटीन फॉर वेट लॉस। मेरा मॉर्निंग रूटीन था बहुत ही सिंपल, आज जो मैंने आपको दिखाया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू वर्क। अब मेरा मॉर्निंग वर्क रूटीन स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट इज प्रीटी मच व्हाट आई डू। आई सिप माय टी अलॉन्ग विद आंसरिंग सम मेल्स, एंड आपके कमेंट्स को इस वक्त मैं रिप्लाई करती हूँ मोस्ट प्रोबेबली। होप यू एंजॉयड माय समर हेल्दी मॉर्निंग रूटीन फॉर वेट लॉस। आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर लो अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 11:30 और मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया है। आई हैव वर्कड आउट, आई हैव डन माय ब्रेकफास्ट, आई एम आंसरिंग माई मेल्स राइट नाउ। मैं टी भी खत्म करी, 12 बजे के पहले पहले मैं ये सारा काम कर लेती हूँ ताकि सेकेंड हाफ ऑफ द डे मैं सिर्फ अपना काम करूँ। फिर मेल्स आंसर करने के बाद मैं अपने थोड़े इस डायरी में अपने आइडियाज़ लिखती हूँ, वीडियो आइडियाज़, एंड उसके बाद फिर आई स्टार्ट शूट करती हूँ मैं 1-2 घंटे के लिए, एंड उसके बाद आई स्टार्ट स्टडी फॉर माई PhD। सो यही होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। लमसम बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, फिर जैसे घर में हर घर में होता है उसी तरीके का मेरा भी रूटीन है। मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको फिटनेस से रिलेटेड ज़रूर रखूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, अपने लिए आप लोगों को दिखाना अच्छा लगता है। सो या विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ माय मॉर्निंग। 12 बजे से आफ्टरनून वैसे भी शुरू हो जाती है। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। अगर आपको और भी ऐसे ब्लॉग्स देखने हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि आप देखना चाहते हो। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो मैं और भी ज़्यादा ब्लॉग्स करूँगी, अ डे इन माई लाइफ या कुछ भी ब्लॉगिंग मैं ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए, बट ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। And yeah, I'll see you guys super soon in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.